एक्सोनेट के सहयोग से उस समय एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में पहली दफ़े हम घर से बाहर निकले उस बैसाखी के दम पर, पहली नहीं दूसरी दफ़े जो हम मेडल जीते उसके बाद। और एक विकलांग अधिकार मंच नाम से एक जन संगठन का गठन हुआ और उसके बाद से लोगों की आवाज़ को हम उठाना शुरू किए। 6-7 राज्यों में हम लड़कियों के साथ में जुड़ना शुरू किए, राष्ट्रीय विकलांग मंच के माध्यम से ट्रेनिंग देने जाने लगे। विकलांगों की जिंदगी जो सिमट के रह जाती है क्योंकि उनका गृहस्थी और उनके विवाह और उनके जीवन के बारे में, आत्मसम्मान के बारे में कहीं कोई नहीं सोचता है। जो सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र बनता है विकलांगों का, उसके लिए 10-10 बार दौड़ना पड़ता है लोगों को, हम लोग के कहने पर। और बिहार में पहली दफे पूरे भारत में ऐसा राज्य था जो PHC लेवल पर प्रमाणीकरण बनाना शुरू किया। प्रमाणीकरण के आधार पर पेंशन मिलना चाहिए, वो हमारा दूसरा अचीवमेंट था जो सरकार ने वो भी माना। 2013 से लिखते लिखते 2016 में गवर्नमेंट ने इसको भी स्वीकारा और 16 में जाकर के विवाह प्रोत्साहन राशि योजना की शुरुआत की गई। और आपको बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस लेने वाली पहली महिला हम थे बिहार में, जो हम लोगों ने लड़ाई किया मंच के माध्यम से, और आज विकलांगों का ड्राइविंग लाइसेंस सुविधाजनक तरीके से बन रहा है।